गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये आज शाम साफ हो जाएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक में दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन जो खबरें सियासी गलियारों से छनकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय है। 2024 लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा सस्पेंस किसी सीट पर है तो वो है अमेठी। वो अमेठी जो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के रण की सबसे बड़ी गवाह रही है। वो सीट जिसे कांग्रेस से छीनना बीजेपी ने अपना मिशन बना लिया था। बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर एक बार फिर भरोसा जताया है और स्मृति ईरानी अमेठी में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी है। अमेठी में स्मृति के निशाने पर राहुल तो हैं ही, अब वो रॉबर्ट वाड्रा को भी निशाने पर ले रही हैं। स्मृति ने राहुल को लापता सांसद बताकर हाल ही में तंज किया था, तो वहीं वाड्रा की चुनाव लड़ने की इच्छा जताने पर जगदीशपुर के किसानों को अपनी जमीन के कागजातों को संभाल कर रखने की ताकीद भी दी थी। स्मृति ईरानी अमेठी से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अमेठी के आंगन में अचानक जीजाजी का नाम गूंजने लगा है। अमेठी की सड़कों पर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर दिखाई देने लगे हैं, जिस पर लिखा है, अमेठी की जनता की पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। दरअसल कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा के मन में भी सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा बलवती हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने इस दौरान अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है, और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं, और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। अब सवाल ये है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी रॉबर्ट वाड्रा पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी को वो चाहे या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इससे जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए, अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। सियासत में खेल इतना आसान नहीं होता है। सूत्रों से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे कराया है, जिसमें अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। इससे पहले कांग्रेस कमेटी की तरफ से राहुल को अमेठी और प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया था। यूपी की कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज अविनाश पांडे ने भी कहा कि पूरे संगठन की नजर आज गांधी परिवार पर है और सभी चाहते हैं कि वो उनका नेतृत्व करें। रायबरेली और अमेठी हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में से रहा है। वहाँ के लोगों की जनभावना, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जनभावना और पूरे संगठन की जनभावना आज परिवार की ओर काफ़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। जो विश्वास पूरे प्रदेश जनों को माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के ऊपर में है, निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि वे उनका प्रतिनिधित्व करें। अमेठी के साथ ही रायबरेली में पांचवें दौर में 20 मई को वोटिंग होनी है। दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटें हैं, लेकिन अब तक ना तो अमेठी और ना ही रायबरेली में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं और अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण के चुनाव प्रचार की। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार लगातार जारी है और ये पांच अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे धुआंधार प्रचार जो है वो चल रहा है। शाह की हुंकार एक तरफ आपको सुनाई दे रही है तो दूसरी तरफ आदित्यनाथ योगी की ललकार है। मोदी का तूफानी प्रचार दिखाई दे रहा है तो कन्नौज में अखिलेश भी आज प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, और उधर सुनीता केजरीवाल भी प्रचार की कमान संभालने वाली हैं। तो ये पांच तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि कैसे लगातार
चुनाव प्रचार जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ चुनावी दौरों की। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश गोवा के साथ साथ कई और राज्यों का दौरा करने वाले हैं। आपको जानकारी दें एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र गोवा और मध्य प्रदेश में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। उधर कोल्हापुर दक्षिण गोवा और धार में प्रचार होगा। तो ये बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा प्रचार प्रसार की तस्वीरें भी आप देख पा रखेंगे कि किस तरह से जहां जहां प्रधानमंत्री जा रखे गए वहां वहां बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें तीसरे चरण का रण और विपक्ष पर करारा वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार जारी है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप लगातार समझ सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक ये दौरे कार्यक्रम जारी हैं और दौरों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर प्रहार कर रखे हैं। तो लोकसभा चुनाव में दो चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। एक तरफ बीजेपी बम पर जीत का भरोसा जता रखी है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन सत्ता में वापसी के दावे कर रहा है। भीषण गर्मी में मतदान प्रतिशत भले ही कम दर्ज किया गया हो लेकिन तीसरे चरण में प्रचार का शोर बदस्तूर जारी है। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। मतदान प्रतिशत भले ही पिछली बार से कम हो लेकिन सियासी पारा चरम पर है। जीत के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी 400 पार के दावे कर रही है तो वहीं इंडी गठबंधन वाले अब सत्ता में आने का दम भर रहे हैं। 4 जून को किसकी सरकार होगी ये साफ हो जाएगा। हालांकि दूसरे दौर के मतदान के बाद जो तस्वीर उभर रही थी उसका बयां पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ यूं किया। पीएम मोदी ने लिखा, दूसरे चरण का मतदान बहुत अच्छा रहा। देश भर के लोगों का आभार जिन्होंने मतदान किया। एनडीए को मिल रहा समर्थन विपक्ष को और भी निराश करने वाला है। युवाओं और महिलाओं ने एनडीए को मजबूत समर्थन दिया। अब तीसरे चरण के रन के लिए पीएम मोदी और बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र गोवा और मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। कोल्हापुर और दक्षिण गोवा में पीएम की रैलियां हैं। धार में भी पीएम मोदी का आज प्रचार होगा। कोल्हापुर में शाम 5 बजे पीएम की रैली है तो वहीं दक्षिणी गोवा में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए आज शाम 7 बजे वास्को में पीएम रैली करेंगे। पीएम मोदी के निशाने पर है कांग्रेस और इंडी गठबंधन। मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, मुस्लिम तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त सियासी प्रहार किया है। अब ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है।